हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू IFAS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड इंस्टीट्यूट। मैं हूं नन्नी और आपके लिए लेकर के हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी काम करने के लिए UPSC में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। UPSC जो है वो हायर कर रहा है साइंटिफिक ऑफिसर्स, यानी साइंटिफिक ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट जो है वो चालू हो चुकी है UPSC में, यानी कि पोस्ट हो चुके हैं साइंटिफिक ऑफिसर के अवेलेबल। तो अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, तो ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। इससे पहले आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो, बिकॉज मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कितने नंबर ऑफ पोजिशन है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते मेरे साथ आगे। नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो एक ही अवेलेबल, यानी एक ही साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। तो काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी जितने भी जो एप्लीकेंट्स रहेंगे इसके लिए, तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दे आप। क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं कि क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है MSc इन केमिस्ट्री, यानी कि आपको मास्टर्स ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री मेजर में आपको मास्टर्स किए रहना चाहिए। उसी के साथ आप नेट या गेट क्वालिफाइड भी रहना चाहिए, यानी कि नेट या गेट में आपकी एक वैलिड स्कोर भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मैं बता दूं कि आपको एक साल का लैबोरेटरी एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल है इसके लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एक साल का, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पे स्केल जो रहेगा आपका वो लेवल 8 का जो पे स्केल रहता है, वही आपका भी पे स्केल रहेगा, यानी कि आपको डिटेल जो है आपकी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। जॉब टेन्योर में बता दूँ कि ये कोई टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, बल्कि ये परमानेंट बेसिस जॉब है, परमानेंट रहेगा ये जॉब आपका। अगर आपको एक बार ले लिया गया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आपको हायर कर लिया गया है, तो फिर ये जॉब आपके लिए परमानेंट हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, जब तक आप ना छोड़ना चाहें। अब मैं बता दूं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है, जो आपको फिल करना है UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। तो आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अगर फॉर्म ढूंढेंगे फॉर साइंटिस्ट, फिर आपको जो है मिल जाएगा। लास्ट डेट जो इस फॉर्म का अप्लाई करने का वो है 30 जून 2022। तो 30 जून 2022 या फिर 30 जून 2022 के पहले जो आप ये फॉर्म भर दें, अगर आप 30 जून 2022 के बाद ये फॉर्म भरेंगे, फिर आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा। फीस जो है वो है 25 रुपीज़, यानी सिर्फ 25 रुपये जो है वो फीस है, और वो भी SC ST PWD और वुमेन के लिए फ्री है, यानी इनका जो है कोई फीस नहीं है, ये फ्री में ये फॉर्म भर सकते। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉल कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरने के बाद। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको कॉल आ जाएगा UPSC की तरफ से कि आपका इंटरव्यू है, कहाँ है, कैसे है, वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद बताया जाएगा। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते तो आपको कॉल आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आई हूँ कि 16 जून 2022, यानी कि आज से जो है IFAS की क्लासरूम कोचिंग बैचेस शुरू हो चुकी है पुणे में, और सब्जेक्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं वो है लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस और फिजिकल साइंस। इन चार सब्जेक्ट में जो हमारा जो है क्लासरूम कोचिंग बैचेस शुरू हो चुका है आज से पुणे शहर में। तो फिर आप किस बात की देरी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे साथ इनरोल नहीं कराया तो जल्द से जल्द हमारे साथ इनरोल कराएं, और अपना सक्सेस सिर्फ 100 नहीं बल्कि 110% श्योर कर ले, गारंटी कर ले, क्योंकि हमारे फैकल्टीज़ की प्रिपरेशन ही होती है कुछ ऐसी कि आपको सक्सेस जो है वो 100 नहीं बल्कि 110% ज़रूर मिलेगी, अगर आप मेहनत करें हमारे फैकल्टीज़ के साथ मिल करके। तो अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ifasonline.com पे जो है विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी कॉलिंग नंबर 9172226888 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मेरे साथ यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।